आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही माननीय मंत्री जी शिक्षा के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, अनुसाधित करोड़ में जितना भी विकास हुआ, न बीजेपी के टाइम पे हुआ था, न कांग्रेस के टाइम पे हुआ था, और सभी क्या करते थे कि इलेक्शन के टाइम पे एक एक पानी के नल हमारे जैसे 25 फुटे में दे देते थे, उसके बाद दो चारों के सिर फूटते थे, थाने जाके छुड़ा के ले आते थे, बोलते थे हमने तुम्हारा बहुत अच्छा काम कर दिया। मैं माननीय मंत्री जी ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है वो सराहनीय काम है। मैं कहता हूँ भारत के 29 राज्यों में बस काम काम पे रहेंगे, भाषण नहीं, काम पे के काम गिनाते जाइए। एक नियम बस रहेगा, थोड़ा पीछे वालों को, आगे वाले ज्यादा आम आदमी पार्टी समर्थक है, थोड़ा पब्लिक को, भाई को। हाँ जी बोलो, बात हो जाएगा सर। हाँ जी बोलिए। हेलो, आम आदमी पार्टी जब से बनी है और जब से सरकार में आई है 5 साल पूरे होने जा रहे हैं जी, और 4 बिंदु पर बहुत अच्छा काम किया। क्या? 1 नंबर बिजली, हाँ, 2 नंबर पानी, हाँ, 3 नंबर सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। बिजली में क्या काम हुआ है? बिजली में तो इतनी हेराफेरी थी पहले, हाँ, कान यहाँ से पकड़ो यहाँ आ जाता, हाँ, और यहाँ से पकड़ो यहाँ आ जाता, कैसे उसी में घूमती थी। जो बिजली का सिस्टम सुधारा है, जो पानी का सिस्टम सुधारा है, ये पीछे सरकारों ने कोई कुछ नहीं। बहुत अच्छा। और कोई बताना चाहता है क्या फायदा हुआ है आपको, क्या फायदा हुआ है केजरीवाल सरकार से, वो भी बता सकते हैं आप। हाँ जी बोलिए। पहले के समय में तनख्वाह बहुत कम थी गरीब लोगों की, हाँ, आपकी तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ गई है। बढ़ गई, बहुत अच्छा। और कोई केजरीवाल सरकार ने अच्छा काम किया है? थोड़ा पीछे वालों को दो माइक, रुक जाओ, पीछे वालों के बाद आएगा नंबर लगेगा। हाँ जी, कोई अच्छा काम हुआ है जिससे फायदा हो रहा हो जनता को, जो लोग हाथ उठा रहे हैं माइक उनको दो। अच्छा, अभी ये कह रहे थे बिजली का, बिजली हाफ है या माफ है? हाँ जी बोलिए, अभी आते हैं बिजली पर, वो बोल रहे हैं। आज बताइए माननीय मंत्री जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। पहले बड़े बुजुर्गों की, विधवाओं की, विकलांगों की पेंशन 1000 रुपए। हाँ जी, केजरीवाल ने पहले 1000 रुपए 1500 रुपए किया और हम 2500 रुपए किया। बहुत अच्छा, सारा हो गया, धन्यवाद। हाँ जी, और कोई काम केजरीवाल सरकार ने अच्छा किया हो कोई बताना चाहता है? हाँ जी, माइक किधर गया? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, माइक इधर लाइए। आगे वाले भी सब्र रखो, माइक और भी दूंगा, थोड़ा पीछे से आने दो। हाँ जी, और कोई माइक आगे वालों को दे दो, कौन बोलना चाह रहा था, मैडम को दो। हाँ सर, सबसे बड़ा जो काम हुआ है दिल्ली में केजरीवाल सरकार का, जो सारे डिपार्टमेंटों में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, ये सबसे मेन मुद्दा। हाँ जी, और कोई काम जिसका दिल्ली सरकार ने किया हो? 10,000 महोदय, दिल्ली सरकार ने बहुत काम किए, लेकिन मैं पर्सनली बताना चाहता हूँ स्वास्थ्य से संबंधित। हाँ। शुगर का पेशेंट हो गया था, आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर होने के नाते मैं मोहल्ला क्लिनिक गया, तो उन्होंने इलाज बिल्कुल मुफ्त किया और मैं वहाँ पर कम से कम 100-200 पेशेंट हो गया। वॉलंटियर का इलाज होता है? नहीं नहीं, मैंने वैसे तो प्राइवेट था, बोला ना कि वॉलंटियर होने के नाते मैं अपने सरकार के मतलब मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट करूंगा कि ये स्वास्थ्य सही ढंग से होता है या नहीं होता है, चेक करने गए जी। तो क्या चेकिंग में निकला? हाँ, वो पूरा स्वास्थ्य में बिल्कुल ट्रीटमेंट रेगुलर मिलता है, फ्री मिलता है और सही मिलता है। दूसरा काम ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, जो प्राइवेट स्कूल में जो अच्छे बच्चे जाते थे वो सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने लगे। बोलिए, तो कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल ठीक हो गया, आप में से कितने लोगों को पता है कि सरकारी स्कूल ठीक हो गया? जरा हाथ उठाना, नीचे कर लो। आप में से किसी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? माइक देना जरा।
जिनके बच्चे सरकारी में इनको दो उधर से ऊपर। पहले सर हमने क्या फायदा हुआ है सरकारी स्कूलों में? पहले से सरकार ने हमारे मोबाइल में आवाज नहीं है यार उसमें। हमारी सरकार ने पहले से फायदे किया है बच्चों का, सही टाइम से जो महीने के जो पैसे आते थे वो टाइम से आते हैं और हर साल आ जाते हैं और अच्छी सुविधा अच्छी शिक्षा मिल रही है। और दिल्ली सरकार का यही अभिनंदन करता हूँ कि आगे भी ऐसा ही करते रहे। आप किसी पेरेंट मीटिंग में गए? स्कूल से मीटिंग जो होती है उसमें गए कभी? आप नहीं गए। आज आप में से कोई पेरेंट मीटिंग में गया? कोई माँ बाप यहाँ जो हो जो स्कूल में मीटिंग बुलाई जाती है बच्चों की, उसमें से कोई गया था आप में से? आप गए थे? माई दो भाई, माई दो पीछे आपका है। हाँ जी, मेरे तीनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। तो पहले और अब में क्या फर्क हुआ है? अब सुविधा अच्छी है, पहले इतनी नहीं अच्छी थी लेकिन अब बहुत अच्छी है। ओके, तो आपके बच्चे अब पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, मेरे तीनों बच्चे, बड़ी लड़की तो मेरी फाइनल कर चुकी बारहवीं तक। ओके, लड़का बीच का है वो भी पढ़ रहा है, छोटी बच्ची भी आठवीं क्लास में पढ़ रही है। शिक्षा अच्छी, बहुत अच्छा। और पीछे पीछे बोले अपने पीछे माइक दे दो तीसरी लाइन में। सर मैंने तो प्राइवेट स्कूल से निकाल के तब सरकारी में बच्चे डाले अपने। बहुत अच्छा भाई, इसके लिए एक बार उनकी हिम्मत में ताली सुनैना स्कूल में बच्चे डाले थे। सुनैना स्कूल में सेना से एडमिशन होता नहीं है जी। ओके, हाँ जी, और इतनी अच्छी सुविधा दे रखी है, साफ बैठे हैं इतना, मतलब प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग ऐसी नहीं है जैसी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ पर। बहुत अच्छा, पढ़ाई भी होती है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। जिस दिन से बच्चे जाना शुरू करे बहुत प्रोग्रेस है बच्चे में, बहुत अच्छा। और टीचर भी मतलब टाइम से ही आते हैं वहाँ पे स्कूल का, तो बहुत अच्छा सिस्टम है, प्राइवेट स्कूल में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। अच्छा, अभी एक चीज और बता दे, अभी जस्ट एक हफ्ते पहले सरकार ने निर्णय लिया है, आपने से किसी का बच्चा अगर IAS की डॉक्टरी की इंजीनियरिंग की टेस्ट देता है और उसके लिए पैसे की जरूरत है तैयारी के लिए, तो अभी चाहे जनरल का हो, OBC का हो, रिजर्व कैटेगरी का हो, सभी बच्चों के लिए सरकार ने स्कीम लागू कर दिया कि सबको सरकार मदद करेगी जिससे कि वो आगे के लिए काम कर सके। ये अभी एक हफ्ते पहले हुआ है, तो कई लोगों को हो सकता है ना पता हो। और कोई काम किया है जी? हाँ जी, माइक दे दो जी। एक बहुत बड़ा जो ट्रांसपेरेंसी आई है आपके सरकार आने के बाद में, वो ये है कि पहले ये मन की बात के इस दौर में जन की बात होना शुरू हुई है। जो मंत्री, दो दो मंत्री ऐसे छोटे छोटे कॉलोनी में आए हैं जहाँ पे हम लोग खनाब दोस्त पिछले 20 साल से हम जायदा कॉलोनी में रह रहे हैं, खनाब के जिंदगी जी रहे थे, हम सारे विस्थापित हैं, बाहर से आए हुए यूपी बिहार उत्तराखंड से आए हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं हम। लेकिन यहाँ पे कोई किसी तरह ध्यान नहीं दिया जा रहा था किसी भी सरकार के द्वारा, किसी विधायक के द्वारा। लेकिन जब से कैलाश गहलोत जी आए हैं पिछले पांच साल में हमारे सारी सुविधाएं जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। आ रही आवाज है, बोलो बोलो। वो माइक उधर से कट रहा। बोलिए बोलिए। जो एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए जो एक बुनियादी सुविधा होनी चाहिए जनता को, नागरिक को, किसी भी देश के नागरिक को, वो हमें कैलाश गहलोत जी आने के बाद में मुहैया कराए हैं। जैसे रोड, नाली, बिजली, पानी, सब कुछ हमें यहाँ पे सुविधा हो। आप में से कितने लोगों को लगता है कैलाश गहलोत जी के आने के बाद से इस कॉलोनी में काम हुआ है जी? तो एक बार जोरदार ताली तो होनी चाहिए। और कोई बोलना चाहता है दिल्ली सरकार का? बस नियम ये रहेगा, जो काम नहीं बोला गया है, छूट गया है, वही बताना है, दोहराना नहीं है। कोई काम छूट गया हो तो वो बता दीजिए। पानी आज तक 15 साल से हम लोग ले रहे हैं लेकिन कोई भी पानी लेके नहीं आया। कैलाश सर जब से आए उसके बाद ही मेरे ख्याल में 2016 अक्टूबर नवंबर से पानी 700 लीटर घर तक आ रहा है, वो भी फ्री आ रहा है। और दूसरा, आर्थिक रूप से जो हम लोगों को फायदा हुआ है बिजली में, बिजली के बिल जो आधे आ रहे हैं अब तो इस महीने तो जीरो भी आया है।
तो इसके लिए आर्थिक रूप से हम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अरुण केजरीवाल का और पूरी टीम का धन्यवाद। पहले बिजली हाफ था, अब 1 अगस्त से 200 यूनिट माफ किया अरविंद केजरीवाल जी ने। कितने लोगों को पता है ये बात, नीचे कर लीजिए, किसको नहीं पता है। बिजली का बिल आना शुरू हुआ, अभी आना नहीं शुरू हुआ है, आया है किसी का तो कम हुआ कुछ बिल, जीरो आपका जीरो हुआ, तो इन जीरो वाले इनका बिल जीरो हुआ और केजरीवाल हीरो हुआ। एक बार ताली बजा दो भाई। और कोई काम बताना चाहता है जो छूट गया हो, कई काम छूटे हुए हैं लेकिन कुछ। हाँ जी बताइए। नमस्कार सर, जो एक काम छूट गया था जिसकी सूची आपने उसने बताई नहीं है, वो है महिला सुरक्षा। बसों में जो मार्शल तैनात किए गए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वो हमारे लिए, लड़कियों के लिए जो शाम को ट्रेवल करती है उनके लिए काफी अच्छा, एक बहुत अच्छा कदम है। और जो अभी आने वाला है मेट्रो का किराया फ्री किया जा रहा है, बसों का किराया फ्री किया जा रहा है, वो भी एक बहुत अच्छा एक नियम है जो आप बना रहे हैं, बहुत अच्छा मुद्दा है जो आप उठा रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत सारी औरतें सारी लड़कियों की तरफ से आपको ये जो बस और मेट्रो का किराया फ्री होने जा रहा है, कितने बहने इससे खुश है, हाथ उठा लो, नीचे कर लो, कितने पुरुष खुश है जरा हाथ उठाना, नीचे कर लो। अगला कोई काम बता दो, जो काम छूट गया वो बताना। हाँ जी नमस्ते सर। सर कैमरे नहीं लगे हैं, जो एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी योजना है आप लोगों का, वो कैमरे अभी नहीं लगा हमारे जय बिहार में खास करके। हाँ अभी अभी लगना शुरू हो गया है, धीरे धीरे सारे जगह लग जाएगा, हर लगभग हर कॉलोनी में जितने मेन मेन जगह है सब जगह लगेगा। अच्छा मैं व्यक्तिगत तौर पे सबसे अनुरोध करूंगा कि कभी ये ना हो कल हो करके कि माइक अपने लोगों को दिया गया, आप में से जो भी पूछना चाहते हैं पूछिए, सवाल पूछिए। नहीं नहीं माइक अपना पराया नहीं, जो हाथ उठाएगा उसको मिलेगा, इसमें अपना पराया कौन सी बात। हाँ जी सर। हाँ जी ये सभी काम तो गिनाए गए हैं, एक जो प्राइवेट स्कूल है उसमें भी के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छा। उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। प्राइवेट स्कूल में जो गरीब बच्चे हैं उनका भी एडमिशन हो रहा है, बहुत अच्छा। और कोई काम बताना चाहता है। कोई सारे बच्चों को फीस और ये माफ हुआ है, स्टूडेंट सब मिल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। आगे यहाँ पीछे इसके बारे में बताना चाहती हूँ, इसकी बच्ची ना सरकारी स्कूल में पढ़ती है 11वीं क्लास में, उसका 15 दिन हुआ एडमिशन नहीं, नाम कट गया बीमार के कारण, उसका एक साल तो बेकार जाएगा। ये चाह रही है कि मेरा दोबारा से एडमिशन। आप एक बार अपना अपना नाम लिख करके, कोई कार्यकर्ता यहाँ पर है, कार्यकर्ता मैं ही हूँ, आप इनका लिख के डिटेल मुझे दीजिए। हाँ जी अभी बाद में। हाँ जी पीछे बोलिए। अभी जिन लोगों को कोई समस्या है वो बाद में मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, बता देना। हाँ जी नमस्कार जी सर, ये आपका सारे काम बहुत अच्छे हुए सर। ये 20 नंबर पॉइंट था, मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, लेकिन सर ये एक जो निजीकरण के लिए था उसके लिए सर स्टैंड क्लियर होना चाहिए सर, क्योंकि हम कॉलोनी में रहते हैं, हम जैसे बोल हुआ निजीकरण के विरोध में नौकरी कर रहे हैं, ओनली सर आपने पढ़ाई सैलरी, अभी दो चीजें हैं अभी हमारे, मैं बोल देता हूँ। एक हमारे कैट्स के साथी ने पहले माइक पकड़ा था, मैंने उनको रोक दिया था क्योंकि अभी चर्चा भाजपा की चल रही थी, तो अभी सोमवार या मंगलवार में हम लोग फिक्स कर रहे हैं, तो अभी इसको लेकर के सरकार के साथ मैंने एक मीटिंग अभी पहले की है और उसके समाधान के लिए सरकार जो है एक बैठक कर रही है, मुझे उम्मीद है उससे समाधान निकलेगा। जहां तक आपने बात कही है, आपको ये भी पता होगा कि हमारी पॉलिसी कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, लेकिन जो अड़चन आ रही है वो ये आ रही है कि दिल्ली के अंदर जो आर्थिक रूप से काम करने का तो हमारे पास हक है, लेकिन सर्विसेज का जो पूरा मैटर है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में उसका मुकदमा चल रहा है, लड़ रहे हैं हम लोग और उस मुकदमे के जीतने का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जीतने के बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट लेबर एडवाइजरी बोर्ड में काफी काम कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है और उसके बाद हम तेजी के साथ इस दिशा में कदम बढ़ा देंगे।
अब माइक अगर आखिरी वक्ता एक किसी को और मौका दे सकते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। एक वक्ता कोई भी महिला पुरुष में महिला को दो कोई छोटा हुआ काम है तो बता दीजिए। बहुत जरूरी काम। हाँ बता दो। तीर्थ यात्रा कोई गया ही नहीं होगा अभी। आपके यहाँ जो लोग बैठे हैं आपके घर से कोई तीर्थ यात्रा पे गया है अभी तक? जा चुके बिल्कुल सर, वो तो भूल गए। भूल गए बिल्कुल। तो तीर्थ यात्रा भी शुरू हो गई है, जिसको जिसको जाना है, बुजुर्गों को 60 साल के ऊपर का हर बुजुर्ग जा सकता है और अपने साथ एक और बंदे को साथ में ले जा सकता है। रजिस्ट्रेशन विधायक जी के दफ्तर से करा लो, आना जाना खाना रहना सब सारी जिम्मेदारी की जिम्मेदारी सरकार की है, आपको मंत्री की जिम्मेदारी दे रखी है, तो आप लोग फार्म भरो तेजी से। बस लास्ट अगला सही बात है। पूरे की गाड़ी नहीं आ रही, कौन पार्षद है भैया? किस पार्टी के? नीलम दीदी जी है। तो नीलम दीदी से रिक्वेस्ट करना कि दीदी जी पूरा पूरा गाड़ी से भिजवा दो। कहाँ रहते हैं नीलम दीदी? तो एक बार तीन चार महिलाओं जा करके उनको बोलो, आप भी एक बार चलो जी। अब आगे बढ़ते, अभी तक हम लोगों ने 1993 से 1998 तक भाजपा के तीन मुख्यमंत्रियों का काम का चर्चा की, हिसाब किताब किया। 15 साल कांग्रेस सरकार शीला दीक्षित जी के काम की चर्चा की और अब लगभग 4.5 साल से आगे बढ़ रहे हैं केजरीवाल जी के काम की चर्चा के। ईमानदारी से निष्पक्ष तरीके से आपके अदालत में अगला सवाल है, अब तक जितनी सरकार बनी और जितने मुख्यमंत्री बने सबसे ज्यादा किस मुख्यमंत्री ने किया है? आज सबसे ज्यादा किस मुख्यमंत्री ने काम किया है? केजरीवाल। आप में से कितने लोगों को लगता है सबसे ज्यादा काम अरविंद केजरीवाल ने किया है? एक काम बताऊंगा मैं, अभी पेंशन ली करी इसी तरह, पेंशन के बाद 3 साल ओवर हुए है, इसके बाद करना मेन बात है, वो बात करनी है ना, उल्टी पुल्टी बात क्या करनी है, काम सब हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, सारा काम हो रहा है। हाँ जी, एक सेकंड बैठ जाइए सर, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, वो तो है, बैठ जाओ। अभी एक बार जरा ठंडे दिमाग से सोचो, मेरा अगला सवाल ध्यान देना। हेलो, अभी आपने इतने सारे काम गिनाए, मान लो अगर 5 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नहीं बनती तो क्या इतने सारे काम होते? नहीं। कितने लोगों को लगता है नहीं होते? नीचे कर लो। मान लो आगे जो चुनाव हो रहा है 3-4 महीने बाद, अगर अगली बार अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं बनती है तो क्या ये सारे काम होंगे? बिजली माफ होगी? पानी फ्री मिलेगा? नहीं होगा। स्कूल्स अच्छे होंगे? नहीं। अस्पताल अच्छे रहेंगे? नहीं। पेंशन बढ़ी रहेगी? नहीं। सबकी बात है। कितने लोगों को लगता है कि अगर केजरीवाल जी की सरकार नहीं बनती है तो ये सारे काम रुक जाएंगे? सर ऐसी सोची क्यों रखना पड़े? बात आपकी सही है, ऐसी सोची नहीं हमारी सरकार। देखो, सोचना सब तरफ अच्छी बात होती है, सोच समझ के निर्णय लो और जो निर्णय लो वो कर दो। कई लोग करने चलते हैं, बीच में सोचने लगते हैं। नहीं कर पाओगे ना? पहले सोच लो फिर कर लो।